morning, student of class 4. Hope you are fine at home. Today I am going to start new chapter of your English literature book. So kindly open your book. Chapter number 6, page number 42. Chapter number 6. Birbal caught the thief. आपका चैप्टर है, एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें बिरबल ने, आपने बिरबल स्टोरी सुनी है, बहुत लॉयल थे बिरबल, उन्होंने एक थीफ को पकड़ा, ठीक है, इस स्टोरी में बिरबल कॉट द थीफ, लेट्स रीड द स्टोरी and you will also read along with me. Once a rich merchant's house was robbed. The merchant suspected that the thief was one of his servants. एक रिच मैन थे, उनके घर में चोरी हो गई, उन्होंने ये सस्पेंड किया कि थीफ ने, उनका जो थीफ है वो एक सर्वेंट ही है, ठीक है. सो ही कॉल्ड अपॉन बिरबल, उन्होंने बिरबल को बुलाया. बिरबल वेंट टू हिज हाउस एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स. बिरबल को उनके घर पे भेजा गया, वो उनके घर पे गए और उन्होंने सारे सर्वेंट को एक एक करके बुलाया. उसके बाद क्या हुआ देखिए. वी सस्पेंडेड दैट वन ऑफ यू आर द थीफ. बिरबल ने कहा कि हमें लगता है आप में से ही कोई थीफ है. थीफ मीन्स चोर. You yourself should tell the fact. बिरबल ने कहा कि आप लोग खुद ही में डिसाइड कर लीजिए कौन ये रॉबरी किया है. No, not any of us. जितने सर्वेंट थे उन्होंने बोला No, not any of them. मतलब हम में से कोई नहीं चोरी किया है. बिरबल जी ने कहा आई मस्ट फाइंड आउट हु इज द थीफ. बिरबल ने कहा कि मैं चोर को ढूंढ लूंगा. टेक दिस स्टिक वन ऑफ ईच. एक एक स्टिक, द स्टिक ऑफ द रियल थीफ विल बी लॉन्गर by 2 inches tomorrow. All the servants should be present here again tomorrow with their stick. उन्होंने एक प्लान बनाया और स्टिक, बहुत सारी स्टिक मंगाई और एक एक स्टिक सारे सर्वेंट को दे दी. और उन्होंने कहा कि ये स्टिक जो असली चोर होगा, असली थीफ होगा, उसकी 2 इंच बढ़ जाएगी स्टिक, ठीक है, और आप सबको कल इस कोर्ट में प्रेजेंट होना है. ऑल द सर्वेंट वेंट टू देयर होम एंड गैदर्ड अगेन एट द सेम प्लेस द नेक्स्ट डे. उन्होंने कहा ऑल द सर्वेंट वेंट टू देयर होम, सारे सर्वेंट अपने घर चले गए, एंड अगेन गैदर्ड अगेन सेम प्लेस. वो फिर दूसरे दिन गैदर हुए उसी प्लेस पे. शो मी योर स्टिक्स, सबने एक एक करके स्टिक ढूंढी. दिस मर्चेंट यू योर थीफ
दिस इज योर थीफ मर्चेंट. शो मी योर स्टिक. सुनते इतनी स्टिक बताई. ठीक है, तो बीरबल ने एक स्टिक को देख के कहा, दिस इज योर थीफ मर्चेंट. हाउ डिड यू कैच हिम? द थीफ हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक बाय 2 inches इन द नाइट. जो थीफ था वो ऑलरेडी अपनी स्टिक को कट कर दिया था इस फियर से कि रात में 2 inch बढ़ जाएगी. फियरिंग दैट हिज स्टिक विल लॉन्गर बाय 2 inches बाय मॉर्निंग. बट वो तो छोटी हो गई थी और सबकी सेम थी और इसकी छोटी हो गई थी. यू आर ग्रेट सर, मर्चेंट ने कहा, यू आर ग्रेट सर, आई अप्रिशिएट यू. उन्होंने कहा आई अप्रिशिएट यू. ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको पढ़िए और समझिए. रॉबरी मतलब, रॉबर मतलब स्टील करना. सस्पेक्ट मतलब थिंग. एग्जाम्पल मतलब कम टुगेदर. गैदर मतलब कलेक्शन, कलेक्ट. अप्रिशिएट मतलब प्रेज करना. ठीक है, तो इसको आप फिर से पढ़ेंगे ये स्टोरी और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, टर्न द पेज. क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू. फिल इन द ब्लैंक्स. डू. वन अ रिच मर्चेंट हाउस वॉज रॉबर्ड सो ही कॉल्ड अपॉन बीरबल. आई मस्ट फाइंड आउट हु इज द थीफ. Show me your sticks. The thief had already cut his stick by 2 inches. Okay. Write 2 words that make up each compound word. Website, web or road. Staircase, stair step. मिलता जुलता word बनाना है. Handshake, handkerchief. Bookmark, bookstore. Door knob, doormat. Butterfly, dragonfly. Okay. So thank you for listening this video. Take care, bye.